budget. Thank you, sir. Sri Vishambar Prasad Nishad. 8 minutes have. Mani Sopat Mode, aapne hame Kendriya Budget 2020-2021 bolne ke liye mauka diya. Main dhanwad deta hoon. Jis tarah se jab Mani Vittmantri ji budget pesh kar rahi thi, sensor share bazar gir raha tha, jo hazaron crore rupaye jo hai desh ki janta ke chale gaye, isse sanket hai ki केवल इनका आंकड़ेबाजी वाला बजट है. क्योंकि हम लोग तो बुंदेलखंड से आते हैं और जो किसानों की वहाँ हालत है, इस बार किसानों की बहुत उम्मीद थी कि सरकार ने भी बार बार ये कहा था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन अब सरकार ने कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होगी. मानो टाइम बढ़ाते जा रहे हैं. पहले कहा था 2020 तक करेंगे, अब 2022 कर दिया. कृषि के विभिन्न मदों में पिछली बार जो धन आवंटित हुए थे उतने खर्च नहीं हो पाए. मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के लिए 3000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, लेकिन 2010 करोड़ रुपये ही खर्च हो पाए हैं. फसल बीमा योजना के लिए किया गया आवंटन भी कम हुआ है. बीमा पर खर्च बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि ऐसी शिकायत आती है कि किसानों को वाजिब क्षतिपूर्ति भी नहीं मिल पा रही है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में पिछले साल 75,000 करोड़ रुपये का प्रावधान था, लेकिन 54,370 करोड़ रुपये ही खर्च हुए. मानवर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 2,682 करोड़ रुपये का प्रावधान था, इस बार 1,127 करोड़ का प्रावधान किया गया है. पिछला आवंटन खर्च नहीं हो पाया है. इसी तरह से किसानों को उनके उत्पाद के लिए उचित दाम नहीं मिल रहे हैं. लागत बढ़ी है, फसल के दाम घटे हैं. सरकार ने वादा किया था कि C2 लागत में 50% जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करेगी. ऐसा नहीं हुआ. सरकार ने लागत का लेवल घटा दिया, जिससे न्यूनतम समर्थन मूल्य का उसका वादा पूरा नहीं हो सका. जहां तक नीली क्रांति मत्स्य और जल जीव पालन की बात है, पिछली बार कुल आवंटन 560 करोड़ रुपये था, लेकिन खर्च 455 करोड़ रुपये हुए हैं. एक और बात, पिछले 3 सालों से लगातार आर्थिक प्रगति दर कम होती जा रही है, जिसका एक मुख्य कारण ये भी है कि औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के उत्पादों की मांग बाजार में नहीं है. मांग इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी 46% मांग ग्रामीण क्षेत्र से आती है और ग्रामीण क्षेत्र की क्रय शक्ति लगातार मानो घटती जा रही है. किसानों के उनके उत्पाद से होने वाले लाभ लगातार कम हो रहा है. ग्रामीण इलाकों में हम देखते हैं मानो कृषि में जो फर्टिलाइजर है, केरोसिन है, इनकी सबकी सब्सिडी घटा दी गवर्नमेंट ने. दाल मोटे अनाज हों या नकदी फसलें, इनके दाम पिछले वर्षों में बढ़ नहीं रहे हैं, जबकि लागत बढ़ती जा रही है. बिजली के दर मानो बढ़ा दिए गए, खाद के दाम बढ़ा दिए गए, तो कैसे किसान की आय दुगनी होगी. इसी तरह से मानो इन्होंने बेरोजगारी में जो 45 साल का जो आंकड़ा आया चुनाव के बाद घोषित किया, उसमें देखने मिला कि 45 सालों की तुलना में 2017-18 में देश में बेरोजगारी दर बढ़कर 6.1% हो गई थी. बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट से ये जानकारी सामने आई. इसी रिपोर्ट में जारी होने के कारण सोमवार को ये राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग कार्यकारी अध्यक्ष 2 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया. मानो हर मामले में सरकार फेल है. हम देख रहे हैं कि जब तक हमारा देश का इंसान, नौजवान, किसान स्वस्थ नहीं रहेगा, तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता है. देश के सरकारी अस्पतालों की हालत ठीक न होने के कारण, वहाँ ऑपरेशन दवाओं के इलाज का ठीक न होने के कारण, निजी अस्पतालों में हर साल करोड़ों लोग जो है इलाज कराते हैं, जिसके कारण 6% लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे आ रहे हैं. इसके लिए बजट में कोई प्रावधान सही नहीं किया गया है. बजट के बाद केंद्र सरकार जनता के सेस के टैक्स बढ़ा देती है, उनकी जेब से पैसा निकालने का काम करती है. जो गांव गरीब आदमी हैं, तो बुंदेलखंड देखते हैं, वहाँ के लोग पलायन करते हैं. मिड डे मील योजना में एक भी रुपया नहीं बढ़ाने काम किया. आंगनवाड़ी शिक्षा मित्रों, आशा वर्कर्स, कार्यकर्ता का मानदेय नहीं बढ़ाया. मातृत्व लाभ देने वाली प्रधानमंत्री मातृ योजना की राशि नहीं बढ़ाई गई. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में 60 करोड़ राशि कम कर दी गई है. मानो दोहरी शिक्षा नीति है देश में, इसके बारे में नहीं कहा गया कि हम दोहरी शिक्षा नीति समाप्त करके जो है सबके लिए समान शिक्षा नीति लागू करेंगे. मानदेय की राशि मानो घटा दी गई है. 12 करोड़
45 लाख सक्रिय मनरेगा मजदूर हैं। बजट में 13% की कमी और 71,000 करोड़ की मांग थी, जिसमें 61,500 करोड़ का प्रावधान किया गया। उत्तर प्रदेश में करीब 1,73,00,000 मनरेगा जॉब कार्ड धारक हैं, आज वो आत्महत्याएं कर रहे हैं, निराश हैं। नोटबंदी और GST के बाद देश में विकास दर की कमी आई है, 6 तिमाही लगातार GDP में गिरावट आई है। मानो रेलवे के निजीकरण करने से, और हम देख रहे हैं कि जैसे तेजस की तर्ज में जो है 150 करीब नई ट्रेनें चलेंगी, जिसमें चप्पल पहनने वाला गरीब किसान मजदूर आदमी जो है उसमें नहीं चढ़ पाएगा, वो इतनी हैवी पेनल्टी कर देगा कि वो और बर्बाद हो जाएगा। एयर इंडिया को बेचा जा रहा है मानो, फिर देश के पास कौन सा जहाज रहेगा, न तो रेल रहेगी न जहाज रहेगा। जितने सरकारी PSUs हैं बेचे जा रहे हैं, LIC को बर्बाद किया जा रहा है। LIC सबके जीवन का इंश्योरेंस लेती थी, आज उसके ही जीवन का खतरा पैदा कर दिया सरकार ने। मानवर बुंदेलखंड के किसानों को कोई राहत नहीं दी गई। मानवर घाटे खेती एवं रोजगार की कमी कारण आत्महत्याएं कर रहे हैं। पलायन रुक नहीं रहा। मानवर पलायन रोकने के लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया। सिंचाई के संसाधनों की कमी है बुंदेलखंड में। बजट में जो पर्यटन में भगवान राम की जो है तपोभूमि है चित्रकूट, चूँकि चित्रकूट को लेना चाहिए था पर्यटन में, संस्कृत में चित्रकूट, कालिंजर, महोबा, चरखारी, झांसी आदि को छोड़ दिया गया। मानवर बुंदेलखंड को जो है अनदेखा किया गया। गंगा नहर की तरह मानवर बुंदेलखंड पूरा सूखा है, पानी कमी है। तो हम लोगों की मांग लगातार चली आ रही है कि वहाँ पर यमुना नदी में अवगासी एक घाट है, वहाँ पर विशाल पानी का भंडार है, वहाँ गंगा नहर की तरह यमुना नहर बनाने के प्रावधान का कोई इंतजाम नहीं किया गया। मानवर फर्जी ODF जिले किए जा रहे हैं, अधिकारी दबाव बनाकर ग्राम पंचायतों को जिले के जिले किए जा रहे हैं। शौचालयों की धनराशि में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, 12,000 में क्या शौचालय बनेगा। हमने देखा कुंभ मेले में 35,000 का प्लास्टिक का शौचालय बना के दिया गया, लेकिन गरीब किसान के लिए केवल 12,000 शौचालय। मानो आत्महत्या रोकने कोई इंजाम नहीं है। प्रतिमा केवल बुंदेलखंड, बांदा, हमीरपुर, झांसी आदि जिलों में 1,000 गायें मर रही मानो, क्योंकि उनके चारे भूसे का इंतजाम नहीं है। केवल बाड़े में घेर दिया जाता है, प्यास और से तड़प तड़ के मरती है, कुछ तो जिंदा ही लोग जो है JCB लगाकर गाड़ देते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं दे रही। गौरक्षक पता नहीं कहाँ चले गए, उनको देखना चाहिए था। मानवर जिस तरह से सरकार गारंटी लेती है कि तो कैंसर मुक्त भारत बनाने का बजट में कोई प्रावधान नहीं है। कैंसर देश की सबसे बड़ी बीमारी है, इसके लिए सरकार को इंतजाम करना चाहिए था। मानवर OBC SC ST के छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति में कटौती के लिए इसमें कोई ध्यान नहीं देगा। मानवर बहुत दिनों से मांग चली आ रही है। 1931 में जनगणना हुई थी, 2021 में जनगणना जातिवार कराई जाए, जिससे कि लोगों को पता चले कि हम लोग कितने हैं। उनके जिनके कोई IAS अधिकारी नहीं है, उनका व्यापार नहीं, उनको भी कुछ व्यवस्था की जा सके। क्रिमिनल लेयर मानवर OBC पे लगाया गया, क्रिमिनल हटाने के बारे में कोई व्यवस्था नहीं की गई। सरकार कहती है मजबूत है, लेकिन रुपया इनका क्यों गिर रहा है, इसकी गारंटी क्यों नहीं दे रहा, क्यों रुपया लगातार गिरता चला जा रहा है। आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया है, तो कैसे मानवर देश बढ़ेगा। मानवर आपसे आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि मजबूत सरकार से 5,000 से ज़्यादा उद्योगपति देश छोड़ के चले गए। क्यों छोड़ के चले गए, उनको लाने का क्या इंतजाम आपके पास है, कैसे देश बढ़ेगा। नोटबंदी GST से राज्य सरकारों की आमदनी कम हुई है, क्योंकि केंद्र से मिलने वाली सभी सहायताएं केंद्र ने राज्य के ऊपर छोड़ दी है, तो आज राज्य सरकारें नहीं बहन कर पा रही। देश की सेना को आधुनिकरण करने हेतु बजट में कमी आई है। पर्यावरण वन में बजट को घटाया गया है। मानवर ये जो बजट है माननीय मंत्री जी ने जो किया है, नए दशक का दिवालिया बजट है। केंद्र के कर्मचारियों को वेतन देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, यही हाल राज्यों में है। हर सेक्टर में केंद्र सरकार फेल है। पिछले 5 सालों में जो बजट केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया था उसको पूरा नहीं किया गया है। नोटबंदी GST से देश की अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई है। जब मानवर देश में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाले रेलवे को निजी हाथों में बेचा जा रहा है तथा सरकारी उपकों को बेचा जा रहा है। LIC जो देश के बैंकों को करोड़ रुपये कर्ज देती थी, आज उनको बचाने के लिए LIC खुद परेशान है। घाटे की खेती होने के कारण बुंदेलखंड में किसान आत्महत्याएं कर रहा है। बजट ने बुंदेलखंड किसानों को निराश किया है। मानवर कारपोरेट जगत को लाभ पहुंचाने का काम किया गया है। फसल बीमा के अंतर्गत पशुओं से नष्ट होने वाली कृषि को नहीं कवर किया गया है। मानवर हम आपसे ये कहना चाहते हैं मानवर कि बुंदेलखंड
बहुत ही वहाँ प्रॉब्लम है, वहाँ आत्महत्या रोज हो रही है। महोबा का अगर आंकड़ा अखबार उठा के देखें पर डे कोई ना कोई आत्महत्या हो रही है, तो वहाँ के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का प्रावधान बजट में नहीं किया गया, उसको किया जाना चाहिए, मेरा सुझाव। धन्यवाद। डॉक्टर अमर पटनायक, 10 मिनट्स। थैंक यू सर।